तो जैसे कि दोस्तों इस वीडियो का टाइटल है, आप लोगों को देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग किस चीज़ पर बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी कार्स और बाइक्स थे जो कि सुशांत सिंह सर यूज़ करते थे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि कार एंथुजियास्ट और बाइक एंथुजियास्ट है। उतना ज़्यादा बॉलीवुड के लोगों को कार्स और बाइक्स में इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन सुशांत सिंह सर को कार्स और बाइक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। और मैं दोस्तों इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो मैं कोई भी व्यूज़ पर्पज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, जस्ट एज अ ट्रिब्यूट रहेगा मेरे तरफ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ये जो चैनल ये कार्स और बाइक्स का है, और सुशांत सिंह सर भी कार और बाइक थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बताया जाए कि वो कौन कौन सी कार और बाइक्स यूज करते थे। और थोड़े समय पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोल भी डाला था, उसी में मैंने आप ही लोगों से पूछा था क्या आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो या नहीं। तो आप लोग में से 87% लोगों ने ये कहा था कि जी हाँ, हम लोगों को ये टॉपिक पे वीडियो देखना, ये टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो अगर आप चाहे तो वो कम्युनिटी पोस्ट अभी भी वहां है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हो ऑटो ज्ञान। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर सुशांत सिंह सर की मोस्ट पॉपुलर कार्स और बाइक्स के बारे में बात की जाए जो कि आपको अक्सर देखने को मिलती थी, वो थी BMW K3900R अगर बाइक की बात की जाए तो। और वहीं अगर कार्स की बात की जाए तो इनकी जो फेवरेट कार थी वो मजराटी क्वात्रपोर्टे थी, और इनके पास लैंड रोवर रेंज रोवर भी थी। तो दोस्तों पहले हम लोग बात करेंगे बाइक के बारे में और फिर बाद में हम लोग कार्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर उसको लाइक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं BMW K1300R के बारे में जो कि सुशांत सिंह सर यूज करते थे। तो दोस्तों अगर ये बाइक के बारे में बात की जाए BMW K1300R के बारे में जिसको कि सुशांत सिंह सर यूज करते थे, एक्चुअली में देखा जाए तो ये बाइक उतने ज्यादा मार्केट में पॉपुलर नहीं थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ये बाइक काफी ज्यादा पॉपुलर थी, बिकॉज इट वॉज द सेम बाइक विच वॉज यूज बाई आमिर खान इन द मूवी धूम 3। जी हाँ दोस्तों, धूम 3 में यही बाइक को यूज किया गया था। अगर आप लोगों ने धूम 3 मूवी को देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये वही सेम बाइक है जिसको कि वो भी मूवी में यूज किया गया था। तो सुशांत सिंह सर को भी ये बाइक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसके वजह से उन्होंने ये बाइक को खरीदा था। वैसे ये बाइक जो है करंटली मार्केट से डिसकंटिन्यू हो चुकी है। ये बाइक की प्रोडक्शन चली थी 2009 से 2015 तक, और वहीं इसकी जो लास्ट एक्स शोरूम मुंबई प्राइस थी वो 25 लाख रुपीज थी। अब अगर मार्केट बायर्स की पर्सपेक्टिव व्यू से देखा जाए कि ये बाइक क्यों पॉपुलर नहीं थी, उसके पीछे का रीजन ये था, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जो 20 लाख से ऊपर के बजट वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर फेयरिंग बाइक्स के साथ जाते हैं, जैसे कि BMW S1000RR हो गई, होंडा CBR1000RR हो गई, यामा R1 हो गई। तो 20 लाख से ऊपर वाले बजट वाले लोग ज्यादा फेयरिंग बाइक्स के साथ जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी लास्ट एक्सोरूम प्राइस 25 लाख रुपीज थी। और वहीं 25 लाख रुपीज में ये जो बाइक है नेकेड डिजाइन के साथ आती थी, जिसकी वजह से लोग नेकेड बाइक्स को उतना नहीं पसंद करते थे 20 लाख के अपर बजट में। फिर भी लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो बाइक थी सुशांत सिंह सर की फेवरेट बाइक थी, इसलिए बहुत सारी सोशल मीडिया में जो आपको पिक्स मिलेगी सुशांत सिंह सर की, उसमें आपको ये बाइक्स को वो राइड करते हुए दिख जाएंगे। और वहीं ये बाइक में 170 BHP का पावर मिलता था और 140 Nm का टॉर्क मिलता था इसके 293 cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। और मैं दोस्तों इस बाइक की कर्वेट थी 243 kg, और इसमें दो कलर ऑप्शंस मिलते थे जब ये बाइक सेल होती थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बाइक के बारे में बता दिया जो कि सुशांत सिंह सर यूज करते थे BMW K1300R के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इनकी कार्स के बारे में। तो दोस्तों सुशांत सिंह सर की एक ही ड्रीम कार थी बचपन से, और वो ड्रीम कार थी मजराठी क्वात्रपोर्टे। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग सभी का भी कोई कोई अपना एक ड्रीम कार होता है, वैसे ही सुशांत सर की भी जो ड्रीम कार थी वो मजराठी क्वात्रपोर्टे थी। इनके पास इस कार की एक मिनिएचर मॉडल भी थी। तो सुशांत सर का बचपन से यही शौक था कि कभी ना कभी वो अपनी सेल्फ फंड मनी से मजराठी क्वात्रपोर्टे को जरूर खरीदेंगे, और ये दिन उनकी लाइफ में आया भी। 2017 अप्रैल में फाइनली उन्होंने ये कार को अपना बना लिया। जैसे कि ये इमेज जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है उसमें आप देख सकते हैं कि उनके पीछे उनकी मजराठी क्वात्रपोर्टे खड़ी है, जो कि आपको ब्लू कलर में हल्की देखने को मिलेगी। और इनकी कार्स की एक खास बात क्या थी कि इनके पास जो भी कार्स थी उनमें आपको सेम नंबर प्लेट देखने को मिलता था, चाहे वो ये मजराठी क्वात्रपोर्टे हो गई, चाहे वो लैंड रोवर रेंज रोवर हो गई, दोनों ही में 4747 नंबर प्लेट देखने को आपको मिल जाता था। और वहीं अगर इनकी मजराठी क्वात्रपोर्टे के बारे में बात की जाए तो ये कार में बहुत सारे वेरियंट्स मिल जाते हैं, और वहीं इस कार की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है 1.64 करोड़ एक्स शोरूम मुंबई से, एंड ऑल द वे टिल 2.58 करोड़ रुपीज तक इसकी एक्स शोरूम प्राइस जाती है। तो 2.5 करोड़ जो एक्स शोरूम मैंने प्राइस बताई वो इसके टॉप मॉडल के लिए है। और यही वाली मॉडल सुशांत सिंह सर के पास भी थी, जिसमें कि 3.8 लीटर का V8 इंजन आता था, जो कि 530 bhp का पावर और 710 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। ये एक रियर व्हील ड्राइव कार थी। और वहीं अगर फीचर्स की बात करें तो ये कार में 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया था विद पैडल शिफ्टर, और इसमें स्पोर्ट्स मोड भी मिलता था। और 0 से 100 की बात की जाए तो ये कार 0 से 100 चल जाती थी 4.6 सेकंड में, और इसकी जो टॉप स्पीड थी वो 310 km/h तक थी। तो दोस्तों यही थी मजराठी क्वात्रपोर्टे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये कार सुशांत सर की फेवरेट कार थी। और वैसे दोस्तों अगर अब इनके रेंज रोवर के बारे में बात की जाए तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी जो दोनों ही कार थी मजराठी क्वात्रपोर्टे और रेंज रोवर इवोक आर डायनेमिक, इसमें दोनों ही में सेम नंबर आपको देखने को मिलता था, वो था 4747। और वहीं अगर ये
रेंज रोवर के बारे में और डिटेल में बात करें तो इसकी जो पूरी नाम थी वो लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक आर डायनेमिक थी। और ये जो एसयूवी है अभी भी सेल होती है, इसलिए अगर इसकी ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में आपको बताऊं तो इसकी जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो 62 लाख रुपए से 72 लाख रुपए तक जाती है ऑन रोड मुंबई में। ये जो एसयूवी है काफी ज्यादा रफ एंड टफ एसयूवी है क्योंकि ये आती है लैंड रोवर की तरफ से और इसमें 2000cc का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है। और फीचर्स की बात करें तो इसमें 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है, पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं और स्पोर्ट्स मोड भी आता है। और वहीं ये जो एसयूवी है ऑल व्हील ड्राइव एसयूवी, और वहीं ये जो एसयूवी है अभी भी मार्केट में आपको देखने को मिल जाती है। और वहीं दोस्तों ये जो एसयूवी है अंडर 9 सेकंड 0 से 100 की मार्क को अचीव कर लेती है। और वहीं इसकी कर्व वेट है 1915 kg और इसकी जो टॉप स्पीड है वो लगभग 200 kmph तक है। तो यही दोनों कार सुशांत सर ज्यादा यूज करते थे, एक जो थी वो मजराटी क्वाडपोर्टे थी और जो दूसरी है वो लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक आर डायनेमिक है। तो दोस्तों यहीं पे मैंने आपको बताया है कि सुशांत सर की कौन कौन सी फेवरेट ऑटोमोबाइल्स थी बाइक्स में, कार्स में। बाइक्स में जैसा मैंने आपको बताया दिया कि वो ज्यादा आपको यूज करते हुए दिखते थे BMW K1300R के साथ। तो इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले बस इतना ही बोलना चाहूंगा, वेयर एवर ही इज नाउ मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।